चार पब्लिक मूवमेंट के हम 5-7-8 दोस्त बैठे हुए थे जब ये बच्चे यहाँ पर डूबे। तो हमने सबसे पहले SHO सिटी थाना जवेद गौर साहब उनको कॉल की, उन्हें बताया फिल्ड फोर्स रेस्क्यू करें इनको। उन्होंने फिल्ड फोर्स सदर थाने की पुलिस यहाँ पर भेजी, वो फिर विद इन 5 मिनट यहाँ पर पुलिस पहुँची। उसके बाद तकरीबन 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद 1122 वाले यहाँ पर पहुँचे। लेकिन 1122 वाले जो यहाँ पर पहुँचे वो इंतहाई नॉन प्रोफेशनल लोग थे। वो 15 से 20 मिनट तक यहाँ पे खड़े होकर वो मायना करते रहे कि हम कहाँ से नीचे उतरे हैं। अगर यहाँ पर लश्कर तैयबा के जो अभी लोग लड़के ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर ये उस टाइम पहुँच जाते तो इन 4 लड़कों को बचाया जा सकता था। आज ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है। ये लड़के केल के रहने वाले हैं, केल के रिहायशी हैं, यहाँ पर नहा रहे थे, अचानक से वो दरमियान में जिस टाइम गए दरमियान वो डूब गहरे पानी में चले गए, गहरे पानी में चले गए। तो मैं अपोजिशन लीडर और घूमते वक्त से ये अपील करता हूँ कि नॉन प्रोफेशनल लोगों को जो है फारग किया जाए। अगर फारग नहीं करते, आजकल जो माशी मामला आते हैं उसमें मैं ये नहीं कहता फारग करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ नॉन प्रोफेशनल लोगों को जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको तमाम सहूलियात फराम की जाए ताकि इस तरह का कोई भी वाकया पेश आ जाए तो फिल फोर जो ऑपरेशन किया जा सके। आज भी अगर फिल फोर ऑपरेशन किया जाता 1122 अगर ये जो नौजवान है ये नॉन प्रोफेशनल ना होते तो ये चारों के 4 लड़के बच सकते थे। अभी तकरीबन 1.5 घंटे बाद एक लड़का जिसकी अभी जो लाश अलग करे वो बच जाए, लेकिन अभी हम समझते हैं 1.5 घंटे बाद जिसका अभी वो जो लाश मिली है या फिर उसकी जो बॉडी मिली है उसकी सांसें चल रही हैं, अभी उसको CMH लेके गए हैं। तो मेरी यही गुजारिश है घूमते वक्त से और अपोजिशन लीडर से कि वो नॉन प्रोफेशनल लोगों पर इस तरह के जो मुश्किल काम है वो नॉन प्रोफेशनल लोगों के हवाले न करें, आइंदा इस तरह का कोई वाकया हो जाए ताकि फिल फॉर ऑपरेशन किया जा सके और प्रोफेशनल लोग हों जो ऑपरेशन करें। बहुत शुक्रिया।